टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गई एक पनडुब्बी, टाइटन के पायलट और उसमें सवार अन्य चार लोगों की मौत की खबर आई है। अधिकारियों ने कहा कि पनडुब्बी में कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन, एक विस्फोट, इसकी वजह से सभी पांच लोगों की जान चली गई होगी। उन्होंने पनडुब्बी का मलबा खोजे जाने की बात भी कही। दरअसल ओशन गेट एक्सपीडिशन नामक कंपनी का ये अभियान था जिसके तहत सभी समुद्र में जाकर टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे। हालांकि अब उनकी मौत की खबर आई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए खबर पर आते हैं। अधिकारियों के मुताबिक पनडुब्बी का टेलकोन और अन्य मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराई में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज से लगभग 1600 फीट की दूरी पर मिला। इसे एक रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल रोबोट की मदद से खोज निकाला गया। अमेरिकी नौसेना के बचाव संचालन और महासागर इंजीनियरिंग के निदेशक पॉल हेनकिंस के अनुसार रिमोट से संचालित वाहन को टाइटन पनडुब्बी से मलबे के पांच अलग अलग प्रमुख टुकड़े मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के शुरू में पानी के अंदर पता लगाई गई अज्ञात आवाज और मलबा पाया गया। उसके बीच किसी संबंध की पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकती है। 18 जून को ओशन गेट कंपनी की यह पनडुब्बी सफर पर निकली थी। हालांकि पानी में उतरने के शुरुआती 2 घंटों में ही इससे संपर्क टूट गया था। इसके बाद से इसकी खोज जारी थी। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने, वहां घूमने और फिर वापस आने तक में करीब 8 घंटों का वक्त लगता है। इसमें 2 घंटे टाइटैनिक के मलबे के पास तक जाने और आने में खर्च होते हैं। वहीं करीब 4 घंटे टाइटैनिक के मलबे के आसपास का नजारा देखने में लग जाते हैं। कंपनी ने बताया था कि इस पनडुब्बी में 96 घंटे का ऑक्सीजन था। ऐसे में ऑक्सीजन उपलब्धता की 96 घंटे की महत्वपूर्ण समय सीमा भी गुरुवार को पार हो गई थी। उत्तर अटलांटिक में अपनी यात्रा पर पनडुब्बी के रवाना होते वक्त चालक दल के पास केवल 4 दिन के लिए ही ऑक्सीजन थी। एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने यह अनुमान जताया है कि अगर पनडुब्बी में सवार लोग ऑक्सीजन संरक्षित करने के उपाय करते तो ये समय सीमा बढ़ सकती थी। इसमें सवार सभी लोग जाने माने अरबपति थे। इसमें सवार यात्रियों में ब्रिटिश व्यवसायी हामिश हार्डिंग, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश व्यवसायी शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान, ओशन गेट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टॉन्गटन रश और फ्रांसीसी पायलट पॉल हेनरी नार्गोलेट शामिल हैं। बता दें कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प इंजन चालित यात्री जहाज था। अप्रैल 1912 में अटलांटिक महासागर में अपनी पहली यात्रा पर रवाना होने के 4 दिन बाद ये एक हिमशैल से टकराने के बाद डूब गया था और इसी का मलबा देखने के लिए इस पनडुब्बी के जरिए 5 लोग गए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।